छील लें और फिर अच्छे से दो चार बार धो लें और फिर ऐसे सुखा दें, और थोड़ा सा फिर किसी साफ़ टॉवल या जो भी आप यूज करते हैं किचन में उसे पोंछ लें, और फिर ऑयल में इनको फ्राई कर लें। अभी मैं इनको लंबा लंबा काटूंगी फिर फ्राई करूंगी, बाकी वीडियो बनाती हूँ। फिर मैंने तेल, अब मैं इनको करूंगी फ्राई। डाल दी है मैंने अजवाइन, और हींग भी डाल देते हैं, पर हींग अभी हमारे यहाँ पे हमारे घर पे ख़त्म हो रखी है। धो के और साफ़ कपड़े से पोंछ के, और ये मैंने कर दिए हैं। अब मैं इसमें फ्राई करूँगी। थोड़ी सी अजवाइन डाल ली है, हींग होती तो हींग भी डाल लेते हैं। चलो कोई नहीं, मोटा पीस लूँगी, काटे इसलिए नहीं क्योंकि प्याज थे छोटे हैं। दो मिर्च भी साथ में डाल दी, नहीं तो अलग से भी काट सकती। ये लहसुन और जीरा मैंने डाल दिया, ये हल्का हल्का इसको थोड़ा भून लिया, ये भूंद गया है। नमक और हल्दी और अमचूर पाउडर और गरम मसाला। मिर्च मैंने पहले उसमें दो डाल दी थी, तो अभी और नहीं डाल रही। मैंने वो मसाला बनाया था, मसाला पक गया है। सब्जी पक चुकी है, अब इसको थोड़ा सा नॉन मिर्च मेरे जिसमें मिक्स होने देंगे, इसको थोड़ा ढक देंगे।